नमस्कार। अक्सर उन पेशेंट्स को जिनको कि कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, वो कहते हैं कि कीमोथेरेपी में बड़ा दर्द होता है। तो इस दर्द की एक वजह तो ये होती है कि कई बारी आपकी नसों को ढूंढने में बहुत परेशानी होती है, क्योंकि दो या तीन कीमो के बाद आप देखते हैं कि धीरे धीरे नसें जो है सिकुड़ जाती हैं और नसें मिलने में बड़ी दिक्कत आती है और मरीज़ को बहुत दर्द होता है, क्योंकि दो बार तीन बार नीडल डालने के बाद शायद कोई एक वेन मिल जाती है। इस परेशानी से निजात पाने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है जिसको हम कहते हैं कीमोपोर्ट या पोर्ट। पोर्ट क्या होता है? पोर्ट एक डिवाइस होता है जिसको कि आपके ये जो कॉलर बोन है उसके नीचे लगाया जाता है, जो कि आपके चमड़ी के नीचे से एक ट्यूब चलती है और वो ट्यूब फिर बड़ी नस में चली जाती है और आपके जो एक हार्ट के ऊपर एक जो बड़ा नस होता है उसमें जाके बैठ जाती है। इससे क्या होता है कि हर बार आपको वो पोर्ट यानी कि एक डिब्बी जैसी होती है जिसके ऊपर एक डायफ्राम होता है, एक सिलिकॉन का डायफ्राम होता है, जिस पे हर बार ये नीडल जाती है। तो वो नीडल जो है उस, क्योंकि वो पोर्ट जो है आपके उस ट्यूब के साथ कनेक्टेड है, तो वो सीधे बड़ी नस में चली जाती है और इससे कीमोथेरेपी बड़ी आसानी से हो जाता है। तो कीमो जो पोर्ट होता है इसको कहाँ लगाया जाता है और किस तरह लगाया जाता है? लगाया जाता है, जैसे मैंने कहा कि कॉलर बोन जैसा आपका होता है, ये कॉलर बोन उसके नीचे जो है 2 सेंटीमीटर नीचे या कभी 3 सेंटीमीटर नीचे वहाँ पे एक पॉकेट बनाया जाता है कट करके। इसको या तो हम सुन में करते हैं या फिर बेहोशी में भी कर सकते हैं। सुन में भी करना बहुत आसान है और ये होता है ऑपरेशन थिएटर में। तो ये इधर एक पॉकेट बनाया जाता है, वहाँ पर डिब्बी बिठाई जाती है और उस डिब्बी को हर बार कीमोथेरेपी के वक्त एक नए नीडल और एक स्पेशल नीडल के साथ उसको एक्सेस किया जाता है और उससे कीमोथेरेपी दी जाती है। तो इसको हम ऑपरेशन थिएटर में इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उसमें एक तो अल्ट्रासाउंड का गाइडेंस चाहिए होता है उसको डालने में, ताकि हम नस को पहचान सकें। और नस को आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं? या तो हम इधर वाली नस में जाते हैं या फिर कॉलर बोन के नीचे एक बड़ी नस होती है उसमें से एंटर कर सकते हैं। और जो ऑपरेशन थिएटर में हम उसका पोजीशन चेक करते हैं, एक हमारा एक मशीन होता है जिसको हम सी आर्म बोलते हैं, उसके गाइडेंस में उसको चेक भी करते हैं। एक बार पोर्ट लग जाए तो इसका इस्तेमाल कब कर सकते हैं? इसका इस्तेमाल उसी दिन कर सकते हैं जिस दिन आपका पोर्ट लग गया है। तो क्या करते हैं, पोर्ट लगाने के बाद हमने जैसे कहा पोजीशन, एक तो हम ऑपरेशन थिएटर में चेक करते हैं, उसके बाद हम मरीज़ को एक्सरे रूम में शिफ्ट कर देते हैं ये देखने के लिए एक्सरे में कि उसका पोजीशन ठीक है, कोई हवा तो नहीं भर गई है लंग में। इन दोनों चीज़ों को चेक करने के लिए हम एक्सरे भी करते हैं और अगर एक्सरे एकदम क्लियर है तो उसी दिन आपका कीमोपोर्ट का इस्तेमाल हो सकता है और उसी दिन कीमोथेरेपी आपको बेझिझक लग सकती है। अब ये पूछा जा सकता है कि भाई अब पोर्ट तो लग गया, अब हम इसको इसका ख्याल कैसे रखें? देखिए, बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि कीमोपोर्ट जो होता है वो सब कुछ ही आपके स्किन के अंदर है, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा एक्सेप्ट कि यहाँ पे एक छोटा सा बम्प दिखता है, उसके अलावा कुछ और दिखता नहीं है। तो ये इसलिए इसका आपको बहुत विशेष रूप से ख्याल नहीं रखना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कीमोपोर्ट में और वो है कि इसको हमें फ्लश करना पड़ता है। फ्लश का मतलब होता है ताकि आपका कीमोपोर्ट का जो ट्यूब है वो ब्लॉक ना हो, उसके लिए हम उसमें दवाई डालते हैं या फिर सेलाइन डालते हैं ताकि ये खुला रहे। और ये हम हर तीसरे चौथे हफ्ते में एक बार करते हैं। लेकिन जब आप कीमोथेरेपी पर हैं तो आपको इसका विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी कीमोथेरेपी भी तो 2-3 हफ्ते में एक बार हो रही है और हर बार जब कीमोथेरेपी होती है तो इसका फ्लशिंग भी हो जाता है। तो एक बार कीमोपोर्ट लग जाए उसके 3-4 दिन बाद आपने पट्टी हटा दी, पट्टी हटाने के बाद आप नहा सकते हैं नॉर्मल की तरह से। तो इसीलिए कोई विशेष ध्यान नहीं रखना पड़ता। अब आप पूछेंगे कि भाई इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है? तो कुछ प्रॉब्लम्स जो होते हैं, शुरू के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे सपोज़ हम नेक में से आपका नीडल डालते हैं, नेक से हमने नेक वाली वेन को यूज़ करते हैं, तो इसके आसपास के मसल्स कभी स्पैज़म में चली जाती हैं या जकड़ जाती हैं, तो आपको गर्दन में थोड़ी स्टिफनेस लग सकती है जो कि 2-3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगर आपने यहाँ से ये वाला वेन यूज़ किया तो इसमें ये वाली प्रॉब्लम नहीं आती है। और अगर लगाने के बाद अगर आपको अगले 48 या 72 घंटे में कोई रेडनेस दिखे या कोई फीवर आए तो आपको डॉक्टर को ज़रूर रिपोर्ट करना होता है, फिर देखना पड़ेगा कि ये किस वजह से हो रहा है। इसके अलावा कीमोपोर्ट जैसे मैंने कहा बहुत ही अच्छा डिवाइस है,
कीमोथेरेपी बहुत आसानी से हो जाती है इससे, इसमें क्या एंटिसिपेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं? जैसे 90-95% ऑफ टाइम्स पेशेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन कुछ पेशेंट्स में इसमें इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर ये ब्लॉक हो सकता है, या फिर इसके जो नस होती है उसमें क्लॉट बन सकता है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक प्रॉब्लम हो जाए और जिसका कि हम उसका तोड़ नहीं निकाल पाए, तो उसका एक ही तरीका होता है उसको उसका निवारण का, और वो है कि कीमोपोर्ट को निकालना पड़ जाए। हम चाहते तो नहीं है कि ये हो, लेकिन 3-5% पेशेंट्स में ये होता ज़रूर है। अब आप पूछेंगे कि बोर्ड तो लगा लें, लेकिन इसका क्या बेनिफिट है? बेनिफिट तो मैं कहूँगी कि बहुत है। आपको हर बार ये नस ढूंढने वाली जो प्रॉब्लम है उससे आप निजात पाएंगे, क्योंकि पोर्ट में हर बारी आप उसको फील करके नया नीडल डालेंगे, एक प्रिक में काम हो जाता है। तो कीमोपोर्ट से ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। दूसरा है, कीमोपोर्ट आप काफ़ी समय तक लगाए रख सकते हैं। जैसे कुछ कीमोथेरेपीज या फिर टारगेटेड ट्रीटमेंट जो है वो साल भर चलती हैं या उससे ऊपर भी चलती हैं, तो ऐसे में कीमोपोर्ट डाल लें और कीमोपोर्ट से एक्सेस करें तो बहुत अच्छा रहता है। और एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कीमोपोर्ट इन ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स, वो ये है कि जिस तरफ सर्जरी हुई होती है उसके नसों को तो हम बिल्कुल हाथ लगाने को नहीं कहते हैं आपको, क्योंकि हमें बाजू के स्वेलिंग से बचना है, उसको प्रिवेंट करना है। तो हम कोशिश करते हैं कि जिस तरफ सर्जरी हुई है उस बाजू की नसों को ना इस्तेमाल करें। तो ऐसे सिचुएशन में पोर्ट और भी यूज़फुल हो जाता है। और आप पोर्ट कब तक रख सकते हैं? पोर्ट की लाइफ जो है वो बहुत ही अमेजिंग है। आपका अगर डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द नीडल, पतली नीडल यूज़ करें तो उसमें वो जो आपका पोर्ट का जो बॉक्स है वो 3000 प्रिक्स तक झेल सकता है, और अगर आपका थोड़ा मोटा नीडल है तो 2000 प्रिक्स तक भी झेल सकता है। और मेरा लॉन्गेस्ट पोर्ट तो है एक महिला का, जिसका कि 8 साल हो गए हैं और अभी तक पोर्ट है। उसको वो रेगुलरली फ्लश करती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका कीमोथेरेपी ख़त्म हो गया और आप तब भी कीमोपोर्ट रखे हुए हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप कीमोपोर्ट की फ्लशिंग ज़रूर करें। वो हर महीने आपको करना होता है। अगर ये करेंगे तो आपकी पोर्ट की लॉन्जेविटी बहुत बढ़ जाती है। तो ये हुई कीमोपोर्ट की बात। और मैं ज़रूर कहूँगी कि वो पेशेंट्स जिनका कि कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है, जिनकी कीमोथेरेपी है, जिसका कि लंबा चलना है, वो ज़रूर और ज़रूर कीमोपोर्ट लगवाएँ और उसका ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।